हेलो फैमिलीज, वेलकम टू माय चैनल बिग इंफ्रा। मैं अर्पित सेठिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ 20x48 का ईस्ट फेसिंग हाउस। और लोकेशन की बात की जाए तो हम खड़े हैं यहाँ पर सिलिकॉन के पास में। आइए हम चलते घर के अंदर की ओर। तो ये जो हमारा मेन गेट है ये CNC कटवर्क के साथ में रहेगा। इसके वेट की बात की जाए तो लगभग 150 kg के आसपास का गेट रहेगा हमारा ये। और इसकी हाइट की बात की जाए तो 4 फीट 4.5 फीट के आसपास का गेट की हाइट रहेगी। देन जैसे मैं अंदर आ चुका हूँ पार्किंग एरिया में, तो जहाँ भी मैं खड़ा हूँ यह मेरे पास बड़े बॉटम में आपको बोरिंग देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद हम चलेंगे वाटर टैंक के पास में। तो ये जो टैंक का एरिया है हमारा, अप्रॉक्स आपका जो टैंक कैपेसिटी, एक टैंकर पानी के स्टोरेज का हमने आपको यहाँ पर कैपेसिटी बना के दे रहे हैं। ये वेंटिलेशन के लिए हमने लिविंग हॉल के लिए दे रखा है, विंडो दे रखा है। और टॉप पे आपको CNC कटवर्क PVC के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे वरांडा की ओर। मेरे राइट हैंड साइड पे आपको वरांडा देखने को मिलेगा, जो हमने इसका साइज की बात की जाए जैसे हमारा 20 फीट इसका विड्थ रहेगा और 4.5 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी। देन अब इसके बाद हम चलेंगे हमारे प्लानिंग की ओर। तो जैसे कि हम ड्राइंग हॉल के अंदर आ चुके हैं, आपको डबल पता में डोर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप अपनी मौसम यूनिट डाल सकते हैं। और आपको यहाँ पर जो डोर की जो हाइट देखने को मिलेगी, इस डोर की जो हाइट है अप्रॉक्स 7 फीट की रहेगी। 4 इसमें हिंजेस दे रखे, कब्जे दे रखे हैं। और इसके जो ग्रूव्स हमने इसको ग्लास वर्क से इसको ग्रूव्स को हमने इसको पैक करा हुआ है। देन एसेसरीज की बात की जाए तो स्टैंडर्ड एसेसरीज के आपको इंटरलॉक देखने को मिल जाएंगे हमारे डोर के। और लगभग 2 फीट की आपको यहाँ पर जो हमारी टावर बोल्ट रहता है, चटकनी बोलते हैं, वो देखने को इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये रही बात हमारे डोर की कंप्लीट हुई यहाँ पर। इसके बाद मैं आ चुका हूँ मेरे ड्राइंग हॉल में। ड्राइंग हॉल में हमने सबसे पहले आपको यहाँ पर 3D वॉलपेपर दे रखा है, जो राइट हैंड साइड पे देखने को मिलेगा। टॉप पे आपको CNC कटवर्क के साथ में आपको फॉल सीलिंग करी हुई देखने को मिल जाएगी प्रोफाइल लाइट के साथ में। देन आपको जो विंडो है हमारा, जो मैंने बाहर से आपको विंडो दिखाया था, विंडो हमने यहाँ पर जो उसके बाहर से लगभग 16 mm को बाहर दे रखे हैं। और जो हमारी जो विंडो के सेक्शन है ये एल्यूमिनियम सेक्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। विंडो की हाइट की बात की जाए तो अप्रॉक्स इसकी हाइट ये रहेगी 4.5 फीट x 5.5 फीट की। तो ये ड्राइंग हॉल है। और लास्टली इस ड्राइंग हॉल के साइज की बात करें हम लोग, तो 12x11 का हमारा ड्राइंग हॉल का साइज रहेगा। और TV यूनिट के लिए यहाँ पर आपको फर्नीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको कंप्लीट कवर आउट माइका के साथ में इसको कंप्लीट हम आपको घर के दे रहे हैं। और आपको शोपीस रखने के लिए आपको यहाँ पर फ्रंट पे आपको यहाँ पर बॉक्सेस भी बना के दे रहे हैं, जिसमें आपको इंटीरियर के साथ में आपको ये घर आपको मिलेगा। बजट की बात की जाए तो इसका जो अप्रॉक्स बजट आ रहा है वो अभी 85 lakh का है, जो कि नेगोशिएबल है। तो अब इसके बाद हम चलेंगे हमारे ड्राइंग हॉल से लिविंग हॉल की तरफ। तो जैसे कि आपको बैक साइड में यहाँ पर बड़ा सा वॉलपेपर देखने को मिलेगा, जो 3D पैटर्न में हम आपको बना के दे रहे हैं यहाँ पर। टॉप पे इसमें फॉल सीलिंग करी भी मिलेगी, जो इसमें आपको फैन बॉक्स लगा हुआ मिलेगा। और फ्रंट साइड में जो मैंने आपको आपको विंडो दिखाई थी, वो विंडो आपको लिविंग एरिया में इस तरह से यहाँ पर दिखेगी, जिसके अंदर आपको ग्रेनाइट के साथ में यहाँ पर आपको चौखट दिखेगी इसकी बाहर से। और डोवाल सेक्शन में इसको आपको विंडो सेक्शन आपको बना के दे रहे हैं। आप अपना यहाँ पर लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया प्लान कर सकते हैं। और इसके साथ में जस्ट अटैच हमारा यहाँ पर किचन एरिया है, जो अब आपको देखने को मिलेगा। किचन एरिया में जैसे मैं एंटर हो रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो रेफ्रिजरेटर पॉइंट जो एरिया है हमने यहाँ पर बना के दे रहे हैं। और कंप्लीट जो किचन है हमारा, फुल मॉडुलर किचन आपको बना के दे रहे हैं। साथ में इसमें आप चिमनी भी लगा सकते हैं यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो। और इसको यहाँ पर 2 फीट की हाइट में आपको टाइल्स भी लगा के दे रहे हैं। और कंप्लीट आपको सेक्शंस जो है आपको कंप्लीट वार्डरोब जो हमारी कंप्लीट करके दे रहे हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग यहाँ अभी ग्लास पैनल वगैरह लगे हुए नहीं है। ड्यूरिंग पजेशन आपको यहाँ पर आपको ग्लास पैनल भी देखने को मिल जाएंगे। देन रही बात ट्रॉलीज की, तो आप ट्रॉलीज की क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हैं, हाई क्वालिटी जैसे इसकी कि आपको ट्रॉलीज वगैरह यहाँ पर बना के दे रहे हैं। देन बेसिन के पॉइंट यहाँ पर आपको यहाँ पर है, और जो बेसिन है हमारा वो ग्रेनाइट आपको बना के दे रहे हैं, जो हमारा कंप्लीट कवरा कंप्लीट है यहाँ पर। और यहाँ पर गैस के पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो हमारे टॉप पे देखने को मिल जाएगा। देन किचन को हमने 2 पार्ट में कवर करा है, एक हमारा जो पार्ट रहेगा आपका गैस वाला रहेगा, और एक जो पार्ट रहेगा हमारा जो आइलैंड जो इसके ऊपर कंप्लीट करा हुआ है हमने, इस साइड पे आप अपना कटिंग वर्क कर सकते हैं, कुछ स्टोर वर्क कर सकते हैं, माइक्रो ओवन वगैरह यहाँ पर इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद देन इसके बाद चलेंगे हम हमारे OTS वाले पार्ट में। जैसे मैं आ चुका हूँ OTS में, ओपन टू द स्काई इसको हम बोलते हैं। टॉप तक डक्ट आपका इसको ओपन देखने को मिल जाएगा। डक की साइज की बात की जाए या फिर OTS की साइज की बात की जाए, तो 5x6 का इसका OTS का साइज रहेगा हमारा। आपको यहाँ पर वॉशिंग एरिया का पॉइंट देखने को मिल जाएगा। और
दो इसमें विंडो देखने को मिलेगी, एक विंडो आपके बेडरूम की तरफ रहेगी जो ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा, और एक विंडो आपकी किचन की तरफ रहेगी जो जस्ट हमने अभी अंदर की तरफ से देखी थी। और टॉप पे आपको दो विंडो देखने को मिलेगी, जो क्या है उसका पर्पस है हम उसको ऊपर जाके ही देखेंगे। इसके हमारे फर्स्ट बेडरूम में, तो सबसे पहले बेडरूम में एंटर करने से पहले आपको यहाँ टॉयलेट देखने को मिलेगी। टॉयलेट को जो हमने फोकस करा हुआ है आप उसको देख सकते हो, ओटीएस वगैरह आपको टॉप पे देखने को मिल जाएगा। और जो टाइल्स वगैरह है लगभग 6 फीट की हाइट में टाइल्स दे रहे हैं, और इंक्लूडिंग जो एसेसरीज वगैरह है हमारी, वो आपको एसेसरीज जब आप पोजिशन में आएंगे उस टाइम आपको एसेसरीज जो रहती है प्लम्बर की डाइवर्टर के साथ में देखने को मिल जाएगी। देन इसके बाद हम आते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। तो ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है जिसमें जो मैंने आपको विंडो वगैरह दिखाई थी वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। विंडो जो हमने साइज़ दे रखा है, इसका साइज़ है 3x4 का। और रही बात इस बेडरूम के साइज़ की, तो 12x11 का इस बेडरूम का साइज रहेगा। वॉलपेपर भी इसमें आपको इंक्लूड करा हुआ है, यहाँ पर भी वॉलपेपर के साथ में। टॉप पे फॉल सीलिंग करी भी देखने को मिल जाएगी विद फैन बॉक्स, और कंप्लीट फॉल सीलिंग हमने इसको डबल हाइट पैटर्न पे दे रखी, डबल पैटर्न पे दे रखी इसमें, ताकि जो लुकिंग है इसका प्रॉपर रहे। और इसके अंदर एक आपको टीवी का पॉइंट भी देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको एसी पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा, ताकि आपको जब भी एसी वगैरह लगाना हो, एयर कंडीशनर लगाना हो, तो उसमें आपको कोई तोड़ा फोड़ी करना नहीं पड़े, और उसी के कनेक्शन पॉइंट भी पास में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट टूर था हमारे बेडरूम का। और लास्टली इसके अंदर एक चीज़ जो रिमेनिंग रह गई है वो डोर हमने पैनल डोर दे रखा है स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ में, एसेसरीज के साथ में इसको हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे हमारे लिविंग एरिया के पास में, जो स्टेयर से उससे कॉमन लॉबी में। तो अभी थोड़ा यहाँ पर अभी रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है कलर का पैचिंग वर्क, और ये आपका बेसिन एरिया रहेगा जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, यहाँ आपको बेसिन लगा हुआ मिलेगा। और ये कंप्लीट आप स्टोरेज के लिए आप इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। देन इसके बाद हम चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे बाय हेल्प ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स की विड्थ की बात की जाए लगभग 3.25 फीट की इसकी चौड़ाई रहेगी हमारी, और जो स्टील की एसेस की रेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। देन जो उसका हमारे जो स्टेयर्स है इसका जो टॉप है ये आपको ग्रेनाइट का देखने को मिलेगा, और जो इसके जो पैटर्न्स जो दे रखे हैं हमने यहाँ पर आपको टाइल्स के कर। तो जैसे कि मैं मेरे कॉमन लॉबी में आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, ये मेरा कॉमन लॉबी रहेगा जहाँ से मैं स्टेयर्स पे आया हूँ। मेरे बैक साइड में आपको 3D वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा जो कम्प्लीट टॉप हाइट तक कवर आउट करा हुआ है। कम्प्लीट फॉल सीलिंग के साथ हम आपको कॉमन लॉबी दे रहे हैं। तो इस कॉमन लॉबी का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन यही रहेगा कि आप अपना घर में जो छोटा मोटा आपको स्टोरेज वगैरह करना हो, या आपको पूजा घर वगैरह बनाना हो, तो आप इस एरिया में आप इजिली इसको प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर, जो कि हमारा फ्रंट में आगे की तरफ रहेगा। तो जैसे मैं आ चुका हूँ मेरे बेडरूम में, यहाँ पर भी 3D वॉलपेपर आपको कंप्लीट करा हुआ है, एसी पॉइंट आपको गिवन है, यहाँ पर आपको टीवी के पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देन डोवाल सेक्शन में आपको विंडो देखने को मिल जाएगी। रही बात इस बेडरूम के साइज़ की, तो बेडरूम की जो साइज़ है हमारा 12x14 का इस बेडरूम का साइज रहेगा, जो कि एक मास्टर बेडरूम की तरफ हमारा ये बेडरूम जा रहा है। इसके बाद हम चलेंगे ड्रेसिंग रूम की तरफ। तो बेडरूम के साथ में जस्ट अटैच हमारा ड्रेसिंग रूम रहेगा, जिसके अंदर एक प्यारी सी विंडो दे रखी है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, या फिर बोल सकते लाइट पर्पज़ के लिए। और यही विंडो के साथ में अटैच है हमारा ड्रेसिंग रूम के साथ अटैच है हमारा मास्टर टॉयलेट। टॉयलेट का साइज दे सकते हैं, और इस टॉयलेट को हमने कवर आउट करा हुआ है हमने डक के साथ में, ओटीएस के साथ में। देन जैसे कि बताया मैंने, एसेसरी जब आप पोजीशन में आएंगे तो आपको ये कंप्लीट करी भी मिलेगी। और जो टाइल्स की हाइट की बात की जाए तो लगभग 6 फीट की हाइट की हम आपको टाइल्स इसमें कवर आउट करके देंगे। और बेसिन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर बेसिन भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे हमारे पीछे वाले बेडरूम की ओर। तो बेडरूम में जाने से पहले हम थोड़ा बालकनी का टूर कर लेते हैं। जहाँ भी मैं खड़ा हूँ ये बालकनी एरिया है हमारा, आपको यहाँ पर प्लास्टर कटवर्क के साथ में बालकनी देखने को मिल जाएगी। टॉप पे आपको फॉल सीलिंग करी भी मिलेगी, और कंप्लीट जो टाइल्स है आपको डबल लेनो चार्ज आपको टाइल्स देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे हमारे पीछे वाले बेडरूम की ओर। तो दोस्तों जैसे मैं आ चुका हूँ हमारे बैक साइड वाले बेडरूम की ओर, तो डोर की बात की जाए तो हमारा जो पैनल डोर आपको देखने को मिल जाएगा। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो टॉप पे फॉल सीलिंग के साथ तो प्रोफाइल लाइट देखने को मिल जाएगी, जो आज के नया पैटर्न पे चल रही है, और ये 3D वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी हमारा मास्टर बेडरूम है। साइज की बात की जाए इसकी तो 12x12 तो उसकी चौड़ाई रहेगी इसकी, और जो उसकी विड्थ लगभग आपको 15 फुट की रहेगी। तो सफिशेंट साइज है मास्टर बेडरूम के लिए।
मास्टर बेडरूम के साथ में इसमें हम आपको अटैच करके दे रहे हैं आपको ड्रेसिंग एरिया। तो ड्रेसिंग एरिया की तरफ चलते हैं हम थोड़ा सा। ये आपको ड्रेसिंग एरिया है हमारा जिसको हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके जस्ट साथ में अटैच रहेगी आपकी लेट बाथ जो भी कंप्लीट हमने टाइल के साथ में कवर आउट करके दे रहे हैं आपको। और लास्टली जो नॉर्मल आपको प्लानिंग में देखने को नहीं मिलता है हमारा रूम यहीं पर एंड हो जाता है। एक छोटी सी आपको सीट आउट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीछे की तरफ भी जिसमें आप अपना बालकनी एक आगे पीछे आगे की तरफ हो गई आपकी और एक बालकनी आपकी पीछे की तरफ हो गई। तो ये भी आपको कंप्लीट सेफ्टी पर्पज के हिसाब से कंप्लीट कवर आउट करी भी देखने को मिल जाएगी। रही बात लास्टली डोर्स पैनल वगैरह की तो डोर पैनल वगैरह है जो हमारे आपको प्लाई के देखने को मिल जाएंगे। और जो विंडोज वगैरह है हमारी जो पीछे जो हमने जो मैंने आपको नीचे की तरफ दिखाई थी वही सेक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा अंदर की तरफ से। और जो चौखट हमारी जिसकी जो चौखट वगैरह है वो आपको ग्रेनाइट की देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर की ओर से सेकंड फ्लोर की ओर जो टेरेस। तो आइए हम चलते हैं टेरेस की ओर। यहाँ पर छोटा सा आपको स्टोरेज एरिया देखने को मिल जाएगा जिसमें आप अपना छोटा मोटा स्टोर कर सकते हैं कूलर वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। और ये हमारी जो टेरेस एरिया है जो कम्प्लीट आपको कवर आउट करा हुआ मिलेगा वाटर प्रूफिंग के साथ में। और टॉप पे आपको 1000 लीटर की वाटर पानी की टंकी देखने को मिल जाएगी जो कि ऊपर की साइड पे आपको रखी भी मिली हुई है। तो ये हमारा जो एरिया था 20x48 ईस्ट फेसिंग सिलिकॉन सिटी के पास में। बजट की मैंने बात बता दी है 85 लाख का बजट है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी दोस्तों पसंद आई हो तो दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस तरह की प्रॉपर्टी की प्लानिंग के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस के साथ में मैं आपको इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।